राशन माफिया की दुकान से सरकारी रिफाइंड चावल व गेहूं हुआ बरामद। सरकार द्वारा गरीबों की मदद के लिए मुफ्त राशन, रिफाइंड आदि आवश्यक वस्तु दी जा रही है, लेकिन उसे राशन डीलर गरीबों को ना देकर राशन माफियाओं को बेच रहे हैं, गरीबों का निवाला डकार रहे हैं। आज एक राशन माफिया मनोज कुमार कंसल किराना स्टोर थाना लेसाड़ी गेट मेरठ का मामला प्रकाश में आया है, जहाँ पर मुखबर की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई की गई तो 21 थैली रिफाइंड, 30 किलो चावल, 14 कट्टे गेहूं बरामद हुआ। क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक दिनेश कुमार थाना रेसाड़ी गेट पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस मामले में मनोज कुमार राशन माफिया ने लाल रंग की स्कूटी नंबर UP15CZ2502 पर सरकारी गेहूं के 3 कट्टे रखवा कर भगा दिए। मीडिया कर्मियों ने इसकी वीडियो बनाई तो मनोज कुमार व उसके बेटे हर्ष ने कैमरे छीनने का प्रयास किया। उक्त जब्त राशन को सुनीता गुप्ता राशन एजेंसी के सुपुत्र करके मनोज गुप्ता राशन माफिया को थाना लेसाड़ी गेट पुलिस थाने ले आई है। खाद्य रसद निरीक्षक दिनेश कुमार व थाना लेसाड़ी गेट पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी है। इसके अलावा विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उक्त मामले में राशन माफिया मनोज कुमार, खाद्य रसद निरीक्षक दिनेश कुमार व थाना लेसाड़ी गेट पुलिस के बीच सेटिंग गेटिंग का खेल भी चल रहा है। अब देखना यह है कि उक्त मामले में उक्त अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। मेरठ से BK गुप्ता की खास रिपोर्ट।